पाकिस्तानी सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने पुष्ट की है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तानियों की फंडिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्मी भारत में ड्रग्स और नकली नोटों को पहुंचाने वालों को बचा रही है। 6 मई को खालिस्तानी कमांडो फोर्स के फरार प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक राजा ने अपने YouTube पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने ISI पर पंजवार की सुरक्षा न कर पाने को लेकर हमला बोला। राजा ने अपने वीडियो में कहा कि लाहौर में पंजवार के साथ सिक्योरिटी थी, इसके बावजूद उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई। उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया कि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का हाथ है। हालांकि द संडे गार्जियन लाइव ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पंजवार को जो लोग फंडिंग दे रहे थे उस हिसाब से वह कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण फंडिंग देने वालों ने ही उनकी हत्या करा दी। आदिल फारूक ने अपनी वीडियो में कहा कि रॉ लाहौर में ऑपरेशन कर पा रहा है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और जनरल असीम मुनीर का फेलियर है। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा, जो व्यक्ति भारत में वांटेड था या तो उसे शरण ही नहीं देनी चाहिए थी, और अगर शरण दी है तो उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग सुरक्षा देने में नाकाम रहे क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। उन्हें 2 गनमैन मिले थे जिन्होंने जवाबी फायरिंग में एक हमलावर को कत्ल कर दिया, वहीं एक को जख्मी कर दिया। इस दौरान आदिल फारूक ने कहा कि पंजवार को ऐसे समय में गोली मारी गई है जब बिलावल भुट्टो भारत गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि पंजवार पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स और नकली नोटों को पहुंचाने का काम करते थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।